आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सियासत भी इस समय तेज नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी की ओर से कहा जा रहा है कि वो उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी। कई विपक्षी दल हैं इस समय दरअसल जो इस उद्घाटन कार्यक्रम का बायकॉट करने की बात कह रही है। RJD, JDU और DMK ने भी बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराने की मांग की गई है। उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। सांसद संजय राउत ने भी दरअसल इसको लेकर सवाल उठाए हैं और लगातार ये मांग अब विपक्ष की ओर से की जा रही है कि संसद भवन का उद्घाटन दरअसल राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। तो एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच बता रहे हैं, दूरगामी सोच बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो इस संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने की बात कहने लगा है। सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज तो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक, इस संसद भवन को न RSS न BJP का कोई रिश्ता है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें।